आज हम करने वाले हैं सेल्फ पार्टी मेकअप लुक एंड मेकअप को शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है तीन स्टेप जो की क्लेंजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग क्लेंजर के लिए मैंने यूज किया है ये सिंपल uh, का फेशियल वॉश uh, आप कोई भी फेस वॉश यूज कर लीजिए क्लेंजर यूज कर लीजिए बट आपका जो फेस है वो क्लीन होना चाहिए एंड उसके बाद हम यूज करते हैं टोनर तो टोनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्लम का टोनर ये प्लम का राइज वाटर टोनर है एंड इसके अलावा आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं मतलब टोनर आपको मतलब कोई भी टोनर चलेगा बट टोनर ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपकी स्किन में जो पोर्स है ना उनको थोड़ा सा फिल कर देता है एंड आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मेकअप से आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाता है क्योंकि हम उसको बहुत देर तक लगा के रखते हैं तो टोनर बहुत अच्छा होता है अगर आप अप्लाई करो एंड आप रोज़ वाटर भी अप्लाई कर सकते हो बट कुछ होना चाहिए जो वॉटरी हो मतलब ऐसा समथिंग 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 तो वाटरी वॉटरी कुछ भी लगा लेना है एंड टोनर के इमीडिएटली बाद टोनर लगा के वेट नहीं करना होता है टोनर के तुरंत बाद आपको लगाना है मॉइस्चराइजर और मैं जो मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ वो पॉन्ट्स का है एंड मॉइस्चराइजर भी आप अपने स्किन केयर में जो भी मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो ना वही मॉइस्चराइजर यूज़ कर लेना मैं मोस्टली इसको ही यूज़ करती हूँ इसीलिए मैं इसी मॉइस्चराइजर को अपने जो फेस पे है वो लगा दूँगी एंड मॉइस्चराइजर लगाने के बाद एक मिनट का पॉज लेना है एंड उसके बाद प्राइमर अप्लाई करना है वैसे तो प्राइमर के लिए कोई भी प्राइमर चल जाता है बट अभी मैं लगा रही हूँ ये मनीष मल्होत्रा का प्राइमर क्योंकि ये डुई प्राइमर है एंड इसमें ना कुछ शिमर पार्टिकल्स है जो कि आपके फेस को ग्लोई बनाते हैं एंड विंटर्स में जो हमारा फेस है ना, वो बहुत ज्यादा ही ऐसा लगता है कि पता नहीं बहुत ज्यादा क्रैक्स होने लगते हैं बहुत ज्यादा ड्राई लगता है इसीलिए अभी मैं डूई फाउंड प्राइमर लगा रही हूँ एंड आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर लेना किसी भी ब्रांड का यूज़ कर लेना बट प्राइमर जो है वो विंटर्स में तो डूई होना तो ज़्यादा बेटर होता है आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो फिर आप डू प्राइमर स्किप कर सकते हो बट अगर आपकी स्किन नॉर्मल है कॉम्बिनेशन है तो फिर आप डुई प्राइमर लगा लेना इससे थोड़ी सी जो शाइन है ना वो हमारे फेस पे आ जाती है एंड अगर आपकी टेक्सचर्ड स्किन है मतलब अगर आपकी स्किन पे थोड़े से ज़्यादा पोर्स है यहाँ पर गड्ढे वगैरह हैं तो फिर आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ कर लेना एंड अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो फिर आप डू प्राइमर यूज़ कर, तो कर लेना जो कि आपके पोर्स को भी थोड़ा सा फिल कर देगी एंड साथ में आपके फेस को ग्लो देगी प्राइमर लगाने के बाद कन्फ्यूजन ये होती है कि कलर करेक्टिंग करें कंसीलर लगाएं या फिर फाउंडेशन लगाएं तो जवाब आता है कि सबसे पहले हमको करना है कलर करेक्शन कलर करेक्शन के लिए जो पैलेट मैं यूज कर रही हूँ वो पर्पल की है आप कोई भी पैलेट यूज कर सकते हो बस ध्यान इस बात का रखना है कि पिम्पल है तो ग्रीन कलर का कलर करेक्शन लगाना है एंड डार्क सर्कल्स या फिर पिगमेंटेशन है तो ऑरेंज या फिर पीच तो अभी मैं मिक्स करूँगी ऑरेंज एंड पीच को एंड लगाना कहाँ पे है सिर्फ अपने डार्केस्ट एरिया पे वो भी क्वांटिटी बहुत ही कम मतलब क्वांटिटी कंट्रोल्ड होगी तो आपका जो फेस है वो बहुत अच्छा दिखेगा एंड इसके साथ साथ मैं लगाऊंगी पीच कलर का कलर करेक्शन जो कि मैं यहाँ पे लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा है यहाँ पर डार्कनेस कम है तो हम इवन टोन करने के लिए यहाँ पे ऑरेंज यूज़ करेंगे यहाँ पर पीच यूज़ करेंगे अब इसको ब्लेंड करने के लिए ब्रश का यूज़ भी किया जा सकता है और ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ किया जा सकता है और फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड किया जा सकता है तो अभी मैं फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी एंड क्योंकि हमने प्राइमर लगाया है अपने पूरे फेस पर तो ये ईजिली ब्लेंड हो जाता है एंड uh, मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो क्रीम प्रोडक्ट है आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हो या फिर क्रीम भी यूज़ कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो एंड सिर्फ आपको इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है एंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है अगर अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ कर लोगे तो जो आपका फेस है वो ऑरेंज लगने लगेगा और इवन टोन नहीं लगेगा इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप ऑरेंज बहुत ज़्यादा ना लगा लो एंड आपको पीच या फिर ऑरेंज लगाना है अपने डार्कनेस को हाइड करने के लिए करेक्ट करने के बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेब्लिन का लूमी मैट फाउंडेशन इन द शेड वन ट्वेंटी एट एंड इसको मैं लगाऊंगी ब्रश की मदद से तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रश हो वो क्लीन होना चाहिए एंड अब लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले मैंने अपने बैक ऑफ द हैंड पर प्रोडक्ट लिया इसको ब्रश पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया एंड इसको अप्लाई किया एंड ब्लेंड किया मतलब मैं इसको लगा के नहीं छोडूंगी सिर्फ अप्लाई करूंगी एंड ब्लेंड करती जाऊंगी साथ के साथ में ताकि जो कवरेज है वो बहुत अच्छी आ जाए एंड प्रोडक्ट ड्राई आउट ना हो जाए एंड इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्रश से तो ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं वो भी पड़ जाते हैं कभी कभी पर आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे से ब्लेंड कर लो उसको एंड बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है कम प्रोडक्ट के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लेना है एंड इस तरीके से आप इसको ब्लेंड कर सकते हो जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे फेस पे एंड अब आपको दूसरी साइड के लिए दोबारा प्रोडक्ट लेना है एंड देन उसको अप्लाई करना है एंड ब्लेंड करना है इस फाउंडेशन का एक पंप कभी भी पूरा नहीं होता है दो पंप की जरूरत पड़ती ही है मुझे क्योंकि मैं इसको दो से तीन बार लगा चुकी हूँ एंड मुझे दो पंप फाउंडेशन लगता है मेरे पूरे फेस को कवर करने के लिए क्योंकि इसका कवरेज उतना ज्यादा नहीं है बट बिल्डेबल जरूर है अब अगर आपने ना जो अपना फाउंडेशन है वो अगर आपने ब्रश की मदद से ब्लेंड किया है तो आपको क्या करना है ब्यूटी स्पंज लेना है एंड एक बार पूरे फेस पे उसको डैप डैप कर देना है बहुत ही हल्के हाथ से एंड ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर है एक तो इसमें क्या है पानी है हल्का सा पानी तो है क्योंकि हमने इसको डैम किया है पानी के अंदर इसको स्क्वीज कर दिया है हमने तो एक तो इसमें पानी है तो आपके फेस को हल्का सा हाइड्रेशन जो है वो मिल जाएगा एंड नंबर टू इससे जो आपका जो अगर ब्रश का स्ट्रोक आपके फेस पर पड़ा होगा तो वो हट जाएगा लगाने के बाद मैं लगाऊंगी कंसीलर कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यह कंसीलर लॉरियल का एंड आप देख सकते हो क्वांटिटी कितनी कम है एंड जो कंसीलर है वो फुल कवरेज कंसीलर है तो यह कंसीलर अब ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर कर देगा एंड हाईलाइट भी हो जाएगा इससे हमारा चेहरा एंड कंसीलर का जो शेड है वो मेरे स्किन के हिसाब से एकदम परफेक्ट है हल्का सा ब्राइटनिंग इफेक्ट आ जाएगा इससे एंड बहुत प्यारा लगेगा बट कंसीलर को लगाने का तरीका होता है आप इसको लगाओ 10 से 20 सेकंड तक पॉज करो रुक जाओ एंड इसको थोड़ा सा आ, सेट होने दो एंड उसके बाद ब्लेंड करना शुरू करना जब तक कि डार्क सर्कल के आसपास का कंसीलर सेट होगा हम यहाँ पर ब्लेंड करना शुरू कर देंगे एंड ये कंसीलर बहुत ज़्यादा फुल कवरेज भी है एंड साथ ही में ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ना लगा लो एंड अपना जो प्रेशर है वो इतना मिनिमम रखना कि जो आपका फेस है वो फील ही ना करे कि आप कुछ अपने फेस पे ऐसे तो लगा रहे हो हाथ का प्रेशर बहुत ही कम रख के सिर्फ कंसीलर को उसी जगह पर ब्लेंड करना है एंड आप देख पा रहे हो कि कितने आसानी तरीके से ये कंसीलर जो है वो ब्लेंड हो चुका है एंड ये मेकअप आप कहीं भी कर सकते हो किसी भी पार्टी के लिए बहुत प्यारा लगेगा एंड मेकअप करने का तरीका ये होता है कि आपको सिर्फ वीडियो देखनी नहीं है आपको प्रैक्टिस भी करनी है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा इसलिए प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है एंड ये देख सकते हो आप कितने अच्छे से जो भी मेरे अन ईवन स्किन टोन वाले पार्ट्स थे ना वो मैंने कंसील कर दिए हैं एंड कितने प्यार से ये कंसील हो गया है आप फोर हेड एंड फेस देखो अभी एकदम सेम दिख रहा है एंड अब हम ब्लेंड करेंगे हमारा जो अंडर आई है वो एंड एक प्रो टिप होती है कि आपको अंडर आई में बहुत ज़्यादा अपनी जो वाटर लाइन है उसके पास से नहीं लगाना है थोड़ा सा दूर लगाना है ताकि जो आपका कंसीलर है वो पैची ना हो एंड आपकी फ़ाइन लाइन्स में जाके सेट ना हो जाए इस तरीके से ब्लेंड करना है एंड अगेन आप देख सकते हो मैं उस एरिया पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरे को फाइन लाइन्स बहुत ज़्यादा हैं इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं लगाऊंगी कंसीलर वहाँ पे हम सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर को बाद में हल्का सा लेके जाएंगे पहले नहीं लेके जाएंगे एंड इस तरीके से कंसीलर को ब्लेंड कर देंगे एंड आप देख सकते हो कि कंसीलर कितने प्यार से ब्लेंड हो गया हम करेंगे हमारे कंसीलर को सेट सेट करने के लिए मैं यूज करूंगी ये पाउडर ये माइग्लेम का पाउडर है एंड एक होती है बेकिंग और एक होती है सिर्फ सेट करना बेकिंग में आप क्या करते हो बेकिंग में पहले मैं बताती हूँ सेट करना क्या होता है सेट करने के लिए आपने प्रोडक्ट लिया एंड सिर्फ उसको हल्का सा अप्लाई किया एंड उसको साथ के साथ में ब्लेंड कर दिया ये हो गई पाउडर सेटिंग एंड इससे आपका कंसीलर लॉक हो गया और दूसरी होती है बेकिंग बेकिंग करने के लिए आप क्या करते हो आप इस तरीके से पूरा अच्छे से इसको अप्लाई करते हो दो से तीन लेयर आपने लगा दी पाउडर की एंड इसको छोड़ दिया तो लॉकिंग करने के बाद हम अप्लाई करेंगे ब्लश ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये लीप एंड चीक टिंट ये प्लम गुडनेस का है एंड ये पिंक कलर का है बहुत सुंदर शेड है एंड मैं बताऊं कि मैं इसको बाद में क्यों अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि हमको जो हमारा फेस का ग्लो है वो चला गया है तो अब हम चाहते हैं कि हमारा फेस जो है वो डुई दिखे तो इसीलिए मैं जो क्रीम प्रोडक्ट है वो उसको बाद में यूज़ कर रही हूँ ताकि जो मेरा फेस है वो थोड़ा सा डुई डूई सा लगे एंड ब्लेंड थोड़ा सा टाइम लगेगा होने में क्योंकि ओब्वियसली जब हम पाउडर के ऊपर क्रीम प्रोडक्ट को ब्लेंड करेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा ब्लेंड होने में बट ब्लेंड हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो एंड बहुत प्यारा दिखता है हल्का सा डुईनेस आ जाती है हमारे चेहरे पे एंड आपको ध्यान रखना है कि आप इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई ना कर दो आपको हल्के हाथ से सिर्फ जहाँ पे अप्लाई किया है वहीं पे ब्लेंड करना है एंड जो ब्लश का प्लेसमेंट होता है ना वो आपके फेस के स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है तो मैं तो हमेशा ही मेरा फेस चबी है तो मैं यहाँ पर आउटर साइड पर ही अप्लाई करती हूँ अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा फ्लैट है तो आप यहाँ से लगाना शुरू करना मतलब आपको एप्पल्स ऑफ द तो चीक्स पे अप्लाई करना है बट अगर आपका फेस मेरी तरह थोड़ा सा चबी है तो आपको अपने जो फेस की बोन है ना उस पर चीक बोन होती है ना उस पर अप्लाई करना है एंड इस हमारे फेस से जो ग्लो चला जाता है उसके लिए डुईनेस बहुत ज़रूरी है तो मैंने प्राइमर भी डुई यूज़ किया एंड मैं मिस्ट भी डूई यूज़ कर रही हूँ ताकि जो <coughs> मेरा मेकअप है वो अच्छा दिखे एंड इसके अच्छे तीन चार पंप लगा लेना है एंड वेट करना है कि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए एंड ड्राई होने के बाद अपनी आईज को ओपन करना है एंड आप देख सकते हो एकदम से ही मेरा फेस जो है वो ग्लो करने लगेगा मिस्ट लगाने के बाद आपको अपने फेस को टच नहीं करना होता है आपको उसको ड्राई आउट करना है ड्राई करने के लिए आप इस तरीके का फैन यूज कर सकते हो या फिर आप उसको एयर ड्राई होने दो बट अपने फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर से टच मत करना क्योंकि वो आपके मेकअप को ना एकदम ये उखड़ सा जाता है मतलब अगर आप देखोगे ना पैच बन जाते हैं आपके मेकअप में कभी कभी तो वो इसलिए ही होते हैं कि आपने जो सेटिंग स्प्रे लगाया और उसके तुरंत बाद अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर लगा देते हो तो उससे जो है वो पैची पैची सा हो जाता है इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप उसको टच करो अपने फेस को अपने फेस को बिल्कुल भी टच नहीं करना है जब तक ये सूख ना जाए जो सेटिंग स्प्रे है वो कम्पलीटली ड्राई हो चुका है इसलिए अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर हाइलाइटर मैं लगाऊंगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से वैसे तो लोग हाइलाइटर ब्रश से लगाते हैं बट जब आप ब्यूटी ब्लेंडर से लगाते हो ना तो ऐसा लगता है कि आपकी स्किन में अच्छे से मेल्ट हुआ है एंड आपकी स्किन ही ग्लो कर रही है तो आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा हाइलाइटर ना लगा लो एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगाना एंड मैं इस साइड से लगा रही हूँ एंड उसको इस साइड से ब्लेंड कर रही हूँ एंड आप देख सकते हो इंस्टेंटली जो मेरा चीक बोन है वो हाईलाइट हो चुका है एंड नोज पर भी मैं इसकी मदद से ही अप्लाई करूंगी एंड देन उसको बैक साइड से ब्लेंड कर क्योंकि आप बिगिनर हो आपको मेकअप करना नहीं आता इसीलिए आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आई मेकअप करने के लिए आप इस तरीके का कोई पैलेट यूज कर सकते हो जिसमें ज्यादा ही आपको मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग प्रोडक्ट्स नहीं है इसमें एक डार्क शेड है एक लाइट शेड है एंड बाकी सभी शिमर शेड है तो आपको क्या करना है शुरू करना है लाइटर शेड आप इस तरीके का ब्रश यूज करना प्रोडक्ट को उठाना टैप ऑफ द एक्सेस एंड अप्लाई कर लेना एकदम लाइटर शेड है तो ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके आई को खराब नहीं करेगा देखते अब आपको ये डार्कर शेड उठाना है एंड इसको अप्लाई करना है कहाँ पे? एकदम यहाँ पे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं सिर्फ इस जगह पे आपको अप्लाई करना है ठीक है इस तरीके से आपको अप्लाई करना एंड देन उसको अंदर की तरफ ब्लेंड करना है दिख रहा है अब आप इसके इसके बाद क्या कर सकते हो आप इनमें से जो भी कलर का आपने कुछ भी पहन रखा है आप वो शेड उठाओ और उसको अपने जो आईस है उस पर लगा दो बट अभी मैं ऐसा नहीं करूंगी क्यों नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपना आई लुक मैट रखना चाहती हूँ अगर आप शिमर ऐड करना चाहते हो तो आप ऐसा करोगे अब आप क्या कर सकते हो आप ले सकते हो उस तरीके का आईलाइनर एंड जो कि मैंने ब्लू पहन रखा है मैंने ब्लू आईलाइनर लिया है एंड इसको आपको जो अपने आईज है उस पर अप्लाई कर देना इस तरीके से आपने जो भी कलर पहन रखा है ना आपको उसके हिसाब से करना है इनर कॉर्नर हाईलाइट करूंगी तो इनर कॉर्नर हाईलाइट करने के लिए मैं सेम हाई यूज कर रही हूं और जो हाईलाइटर मैंने यूज़ किया है वो है फेसिस कैनेडा का पॉट पॉट आई लाइनर ऐसा आता है। <laughs> बिगनर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको आईब्राउज़ फिल करनी नहीं आती हैं तो आपको क्या करना होता है आपको सिर्फ अपने जो आई का शेप है उससे ऊपर एक हल्का सा ऐसा इस तरीके का लाइन ड्रॉ कर लेना है एंड दैट्स इट आप इसको बाकी से थोड़ा थोड़ा फिल कर सकते हो इस तरीके से जो आपकी आई का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से एंड आपको ज़्यादा बिल्कुल भी आ, किसी पचरे में नहीं पड़ना है जैसा कि आपको कोई भी ग्लू की ज़रूरत नहीं है कोई भी ब्रश यूज़ नहीं करना एक आई पेंसिल ली एंड उससे एकदम हल्के हल्के हाथ से स्ट्रोक्स बनाने हैं एंड दैट्स इट आई मेकअप पूरा नहीं हुआ है अब बारी है आई को कर्ल करने की तो मैं ये कर्लर यूज़ कर रही हूँ मिस्टर डी आई वाई से लेके आई थी एंड आप uh, कोई भी मेकअप कर्लर यूज़ कर सकते हो बट आपको केयरफुली इसको कर्ल करना होता है एंड होल्ड करना है कुछ सेकेंड ताकि जो आई लेशेज़ हैं वो अच्छे से कर्ल हो सके एंड सेम आपको दूसरी आई पे करना है आप देख सकते हो आई को कर्ल करने सिर्फ कर्ल किया है एंड उतने में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है इसके बाद आपको लगाना है मस्कारा तो मस्कारा लगा सकते हो आप कोई भी मैं यूज कर रही हूँ ये मेबलिन का मस्कारा मस्कारा अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब आप मस्कारा अप्लाई करते हो ना आपके आई एकदम ही अलग लगने लगते हैं बारी है लिपलाइनर की एंड लिप लाइनर के लिए मैं यूज करती हूँ ये ना आई है मैं आई से लिप लाइनर लगाती हूँ एंड मुझे ये शेड बहुत पसंद है इसलिए मैं इसको आईज पे कभी यूज नहीं करती हूँ मैं इससे हमेशा से ही लिप्स को लाइन करती हूँ एंड ये खत्म होगा तब भी मैं इसको खरीदूंगी लिप लाइन करने के लिए क्योंकि ये शेड बहुत अच्छा है ये आप कोई भी लिपस्टिक यूज कर सकते हो एंड <laughs> गाइस मेरे साथ पोपट हो गया मेरी लिपस्टिक बाहर आ गई दिस इज़ माई फेवरेट लिप कॉम्बो जब मैं बाहर जाती हूँ मैं हमेशा ये लिप कॉम्बो वियर करती हूँ एंड बहुत प्यारा लगता है एंड यू कैन सी मतलब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है ये लिप कॉम्बो खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई मुझे लगाओ मैं यूज़ करूंगी ये स्ट्रॉबेरी ब्लश जो कि केवा सॉरी जो कि है के ब्यूटी का केवा कटरीना कह रही थी मैं के ब्यूटी का ब्लश है देखो फिर से कह दिया ये के प्ले का ब्लश है के प्ले माय ग्लैम का के प्ले ठीक है इस ये पाउडर ब्लश है एंड पाउडर ब्लश क्रीम ब्लश के ऊपर लगाने से जो क्रीम ब्लश है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है एंड बहुत अच्छी ज्यादा देर तक रुकता भी है आपके चेहरे पे एंड दैट्स इट इतना ही लगाना है ब्लश लगाते समय पता नहीं हर लड़की ओवर क्यों करने लगती है मैं भी उसमें से हूँ वैसे मुझे ज़्यादा ब्लश लगाना पसंद नहीं है बट कभी कभी तो बनता है एंड देयर वी गो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एंड लाइक भी कर देना एंड कॉमेंट में बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय